फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी फरीदाबाद से जुड़ी हुई आपको दे देते हैं। फरीदाबाद में एनआईटी क्षेत्र के जीवन नगर पार्ट 2 में एक बड़ा हादसा हुआ है, तो मकान का छज्जा गिरने से 5 लोग घायल हुए हैं। तो मकान का छज्जा गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। स्कूल जा रहे 3 छात्र, 1 महिला टीचर घायल हुई है। हादसे में एक बाहरी बच्चा भी घायल बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको फरीदाबाद से जुड़ी हुई दे रहे। रास्ते में गंदा पानी भरने की वजह से साइड से जा रहे थे लोग, जिस दौरान अचानक से एक मकान का छज्जा गिर गया और छज्जा गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। एनआईटी क्षेत्र के जीवन नगर पार्ट 2 में ये हादसा हुआ है। सड़क के किनारे होकर के जा रहे थे बच्चे, तभी ये हादसा हुआ। छज्जा गिरने की वजह से प्राथमिक इलाज देकर के अस्पताल में फिलहाल घायलों को भर्ती कराया गया है। दरअसल बिल्डिंग की हालत बेहद जर्जर बताई जा रही थी। एसएचओ मुजेसर की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। मकान मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो फरीदाबाद से देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उस मकान की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जर्जर स्थिति में यह मकान था, जो अचानक यहां से जब बच्चे गुजर रहे थे तो एक मकान का छज्जा गिर गया, जिसके वजह से 5 बच्चे घायल हुए हैं। तो कुल 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से कि 3 छात्र, 1 महिला टीचर घायल हुई और एक वहां स्थानीय निवासी का एक बेटा भी घायल हुआ है। यानी कि कुल 4 बच्चे ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए और एक महिला टीचर। तो छज्जा गिरने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। एक मकान का छज्जा गिर गया अचानक से। रास्ते में दरअसल गंदा पानी जमा हुआ था, जिस वजह से बच्चे रास्ते के साइड से होकर के निकलना चाह रहे थे, लेकिन अचानक से इस मकान का छज्जा गिर पड़ा और जिस वजह से बच्चे घायल हो गए। तो बच्चों के साथ एक महिला टीचर भी घायल बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रास्ते में गंदा पानी भरा होने की वजह से लोग साइड से होकर गुजरने को मजबूर हो जाते हैं और ऐसे में आज ये बड़ा हादसा हो गया। एनआईटी का ये क्षेत्र बताया जा रहा था जहां पर यह हादसा हुआ है। फरीदाबाद से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की भीड़ भी यहां पर जुट गई जब यह हादसा हुआ। तो जल्द से जल्द बच्चों को और घायल महिला टीचर को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी के जान की कोई अनहोनी नहीं हुई है। तो एनआईटी क्षेत्र के जीवन नगर पार्ट 2 में यह हादसा हुआ, जहां फरीदाबाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल रास्ते में गंदा पानी भरने की वजह से साइड से जा रहे थे लोग और इसी दौरान अचानक से एक मकान का, जो कि बेहद जर्जर अवस्था में था, ये मकान उसका छज्जा गिर गया और छज्जा गिरने की वजह से ही ये हादसा हुआ, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि कुल 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें कि 1 महिला टीचर है, 4 बच्चे हैं, 1 स्थानीय बच्चा था और 4 स्कूली बच्चे थे जो कि इस हादसे में घायल हुए हैं। तो घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है फिलहाल। वहीं एसएचओ का कहना है, इस पर अधिक जानकारी के साथ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि फरीदाबाद में जो ये हादसा हुआ है, अचानक से मकान का छज्जा गिरा, 5 लोग घायल हो गए हैं, क्या इस बात की जानकारी पहले से नहीं थी कि जर्जर अवस्था में जो मकान है, इस पर पहले से कार्रवाई की जानी चाहिए? कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है? देवेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर हम आपको फरीदाबाद से जुड़ी ये जानकारी दे देते हैं। दरअसल एक मकान का छज्जा गिरने की वजह से एक हादसा हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। और बुलेटिन